नमस्कार। हम आज चर्चा करेंगे कि NIOS क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट नाम तो सुने होंगे, बहुत को तो पता होगा कि NIOS क्या है, लेकिन बहुत विद्यार्थी अभी सुने होंगे जिनको थोड़ा सा भी NIOS के बारे में पता नहीं होगा। वो अपना अध्ययन केंद्र अध्ययनरत बहुत सारे विद्यार्थियों के संपर्क में आते होंगे, तो उनको भी उत्सुकता लगती हो कि NIOS है क्या, NIOS कैसा संस्था है, क्या इस संस्था का मान्यता है, किस प्रकार का शिक्षण संस्था है, किस ढंग के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दे रही है, शिक्षा दे रही है, किस ढंग का पाठ्यक्रम को प्रोवाइड कर रही है NIOS। आपको हम सारा जानकारी आज देंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरा कृपया चैनल को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज NIOS के संबंध में हम बताना चाहते हैं कि पहले NOS के नाम से था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NOS नेशनल, NIOS हो गया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसके पूर्व में NOS के नाम से जाना जाता था, नेशनल ओपन स्कूल। आपको इसके बारे में आप देख सकते हैं। आपको मालूम है कि आपको ये फॉर्मली नेशनल ओपन स्कूल NOS के नाम से जाना जाता था। पूर्व में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के नाम से आपको जाना जाता था। आज के वर्तमान में NIOS के नाम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के नाम से जाना जाता है। आपको यह पूर्वतः साफ साफ अपने सर्टिफिकेट पर इसका देख सकते हैं NIOS के बारे में। NIOS संस्था, आप बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, वो अपना NIOS से अपना न करके रेगुलर से अपना कोर्स करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से और स्कूल से जाकर करते हैं। लेकिन बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको बहुत सारा ज्ञान अपने उनको पठन पाठन उनको घर से अगल बगल के समाज से उनको जानकारी रहता है, उनको पूरा टाइम नहीं रहता है कि आप वह जाकर यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में अपनी पढ़ाई करें। इसलिए NIOS से जो विद्यार्थी रेगुलर जो नहीं कर सकते हैं, काम में बिजी रहते हैं या किसी प्रकार का नौकरी करते हैं या उनके पठन पाठन का काम के लिए स्पेशल टाइम नहीं निकाल सकते हैं, जो काम करते हुए पढ़ाई जो करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आप अगर कमाई के साथ पढ़ाई भी करना चाहते हैं अथवा कोई काम अगर ऐसा है कि आपको घर छोड़ना मुश्किल है, तो आप घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको पढ़ाई करने के बाद में आपको परीक्षा देनी होती है। NIOS के जितने सेंटर होते हैं उन पर तरह तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम और भी कई तरह के कार्यक्रम जो ऑडियो वीडियो के माध्यम से चलाया जाता है, और आपको इसका बुक जो होता है भारत सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। किसी तरह का आपको ट्रेनिंग लेना है, जिस विषय में आपको रुचि है, आप चाहते हैं कमर्शियल बने, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं है यूनिवर्सिटी कॉलेज में दौड़ने के लिए, आपको परंपरागत किसी भी ज्ञान आप रखते हैं किसी भी आपको क्षेत्र में, तो उसके लिए NIOS आपका बहुत ही सटीक कोर्स उपलब्ध कराता है। ये भारत सरकार बहुत ही सस्ता कोर्स उपलब्ध कराई है। इसे आप पढ़कर आप स्मार्ट प्रोफेशनल बन सकते हैं। इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में आप डिप्लोमा बहुत सारे कोर्स जो हैं NIOS कराता है, और आपको बोर्ड और इंटरमीडिएट दोनों की यह पढ़ाई इसमें आप कर सकते हैं। इसमें आप फेल हो गए हैं
तो जो जिस विषय में आप फेल हुए हैं रेगुलर से, इसे NIOS के पेपर देकर आप उसको बोर्ड और इंटरमीडिएट का एग्जाम को आप निकाल सकते हैं। जहाँ तक मान्यता की बात है तो इसको पूरे विश्व में मान्यता है, लेकिन कोई कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी या कोई भी संस्था अगर इसके कि आप प्रोडक्ट हैं, इसके अगर डिग्री डिप्लोमा को अगर मान्यता नहीं मिलता है तो NIOS इसके लिए जिम्मेवारी लेने में सक्षम नहीं है, अथवा आप दावा करती है कि हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं। लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर NIOS का जो भी सर्टिफिकेट है पूरे भारत के साथ पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। आप इसके बारे में कहीं भी इंटरनेट से आप इसके आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, अथवा NIOS के जो भी डायरेक्टर हैं अथवा उसका NIOS के जो सेंटर है आप उसके कार्यालय पर जाकर खुद आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं, आप पूछताछ कर सकते हैं। आप अस्वस्थ होने के बाद आपको लग जाए कि हम इस कोर्स को करने से हम संतुष्ट हैं अथवा कोर्स अच्छा है, इसकी डिग्री मान्यता है, इतना तो हम जानते हैं कि इसकी इसकी जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्था द्वारा आपको दिया जाता है, एक भारत सरकार के अंतर्गत इसकी मान्यता प्राप्त एक कोर्स है। आप इसे आप वर्तमान में सोच सकते हैं कि टीचर ट्रेनिंग बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और लाखों की संख्या में हो रही है, इसलिए आप थोड़ा सा भी चिंता न करें कि इसकी मान्यता नहीं है, इसकी पूरी पूरी मान्यता है। कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में, टीवी ऑपरेटर के क्षेत्र में, एक्सरे, पैथो, आप न जाने कितने आपको इसमें है। LIC के क्षेत्र में बहुत सारा कोर्स प्रोवाइड कराती है, जो LIC एजेंट जो स्मार्ट प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं उनके लिए भी कई तरह का कोर्स है। आप बहुत चिकित्सा के क्षेत्र में है, एक्सरे टेक्नीशियन के क्षेत्र में है, आप DMLT ढंग का सर्टिफिकेट कोर्स भी कई ढंग का जो पैथों के क्षेत्र में जाँच जो होता है, जाँच के अंदर अपना खून पेशाब जिनको जाँच में ज़्यादा करने में मन लगता है वो डॉक्टर को रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसका भी कोर्स इसमें आराम से आप कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा इस ढंग का ही मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। इसके मार्कशीट भी ऐसे हैं, और भी बहुत सारे कोर्स को आप इससे आप कर सकते हैं। और NIOS से संबंधित किसी भी तरह की आपको जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताएं, जो भी हमको जानकारी हमको देनी होगी हम उसके अपने पूरे तैयारी के साथ हम आएंगे आपको ताकि जानकारी देंगे कि NIOS क्या है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। विद्यार्थियों को मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो से उनको फ़ायदा हुआ होगा। अब अंत में आपको नमस्कार करता हूँ, आपका दिन शुभ हो।